नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क लंबे समय से ट्विटर के शेयरों में निवेश करने के बाद उसे खरीदने की अपनी प्रबल इच्छा जाहिर कर चुके थे। फिलहाल अब वो पूरी तरह से ट्विटर इंक के नए मालिक बन गए हैं। दरअसल एलन मस्क ने $54.20 प्रति शेयर के रेट पर ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था, जिसे बीते देर शाम ट्विटर के बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिलहाल ट्विटर की ओर से जानकारी देते हुए इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को आखिरकार खरीद लिया है। कंपनी ने यह भी बताया कि मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 अरब की कीमत चुकाई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित हुए प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रशिक्षण शिविर के बाद राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु ने मीडिया से बातचीत के दौरान शिवपाल यादव और कांग्रेस के द्वारा आजम खान से मिलने की बात पर कहा कि आजम खान को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। गलत नीतियों, गलत सोच के बल पर उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया था और जबरन जमीन कब्जा करके कई संस्थाओं को खड़ा कर लिया था, और ये किसी और के नहीं बल्कि अपने समाज के लोगों को सताकर साम्राज्य खड़ा किया था। वहीं अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कब रिश्ते बनते हैं और कब टूटते हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो दयाशंकर मिश्र दयालु ने अहम टिप्पणी करी है, आजम खान पे टिप्पणी करते हुए, अखिलेश पे टिप्पणी करते हुए नजर आए। आपको बता दें, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें शिरकत करने पहुंचे और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आए। जिस तरह से आजम खान से मिलने कई नेताओं की होड़ लगी हुई है, उन्हीं को देखते हुए सपा पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं दयाशंकर मिश्रा, और आजम खान पर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि अपनी बुरी नीतियों की वजह से जिस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया है, तो उनके बुरे कर्मों का फल ही उन्हें मिल रहा है। सर, आजम खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, अब उनसे कांग्रेस, शिवपाल जैसे तमाम लोग मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस रणनीति से बीजेपी को कोई नुकसान या? आजम खान के कर्मों की सजा उनको मिल रही है। अपने कहा जाता है ना कि गलत नीतियों के चलते, गलत सोच के चलते, गलत फैसलों के चलते उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था जो गलत नाजायज़ था। जबरन ज़मीन कब्जा करके उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाएं खड़ी कर लिया था जो अपने ही समाज के लोगों को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी गैर को सताया हो, अपनों को सता के, अपनों को परेशान करके उन्होंने एक ऐसा तिलस्म विकसित किया था, वही तिलस्म टूटा है, परेशान है, और उनके कुछ चंदौली के शहाबगंज थाना क्षेत्र के मुरकौल बड़गावा में संदिग्ध परिस्थितियों में पराली में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 16 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर पहुंचे डीएम संजीव सिंह ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और सभी पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर आवास और सभी मूलभूत सुविधाएं दिलाने का श्वासन भी दिया। आज आए हुए हैं साहागंज ब्लॉक के बड़गावा में आगजनी हुई, क्या मामला है? जनपद चंदौली के चकिया तहसील में बड़गावा ग्राम में आज आग लगने की दुर्घटना हुई है। एक खेतों से आग लगते हुए घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कि 16 घर जल गए और ये सभी भट्टे पर काम करने वाले लोग हैं, मौके पर मौजूद नहीं थे और इनका सभी गृहस्थी का सामान जल गया है। तात्कालिक सहायता के रूप में भोजन और उनके रहने की व्यवस्था की गई है, जो अनुदान सहायता है वो तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ इन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपदा राहत में आवास और सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और इनका पुनर्वास। खबर गा
गाजियाबाद से है, जहां गोविंदपुरम ई ब्लॉक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेलते समय एक बच्चा बॉल पकड़ने के लिए भागा और बॉल सीवर में जा गिरी, और जैसे ही बच्चे ने बॉल को उठाने की कोशिश की तो वो भी सीवर में गिर गया। इसके बाद उसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया और बच्चा अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद से ही गुस्साए लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सीवर बीते 4 महीने से खुला है जिसे बंद नहीं किया गया है। नगर निगम और निगम पार्षद से कई बार इस मामले पर शिकायत की गई है, लेकिन सभी जिम्मेदारों ने अपनी आंखें मूंद रखी है। कल पूरा मामला ये था सर, ये गटर टूटा हुआ पड़ा है करीबन 3 से 4 महीने से, ठीक है। और कल यहाँ बच्चे खेल रहे थे 4 बजे के समथिंग, घने सारे बच्चे आपस में खेल रहे थे यहाँ पे, हम भी देख रहे थे उनको खेलते हुए, बॉल गिर गई उधर, तो बच्चा उसे लेने के लिए भागा तो उसका पाँव फिसला, गड्ढे में गिर गया, ठीक है। यहाँ पे फिर हल्ला मचा कि बच्चा गिर गया। तो यहाँ पे एक लड़का काम करता है, उसे हमने बुलाया, उसने देखा कि उसमें बच्चा पानी जब काफ़ी नीचे था, हाथ नहीं आ रहा था, उस लड़के को हमने नीचे लटकाया, उसके हाथ पकड़े, वो नीचे गया गड्ढे में, फिर वो लड़की उठाई उसने पैरों से, उठाने के बाद फिर हमें पकड़ाई, वो बाहर निकाली, फिर उस लड़के को हमने बाहर निकाला, और उसकी मम्मी जो थी यहाँ पे वो बेहोश हो गई थी। ये आपकी बेटी है? हाँ। क्या हुआ था? गिर गई थी। कैसे गिर गई थी? मुझे नहीं पता। तो आपको मतलब क्या हुआ था, पूरी कहानी कुछ तो याद होगा? मुझे कुछ याद नहीं, बच्चे इधर ही खेल रहे थे सारे। अब जैसे आप डरिए मत, परेशान मत होइए, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या हुआ था? पता नहीं, बच्चे खेल रहे थे तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो बेहोश हो गई थी देख के। अच्छा, ये ड्रिप लगी हुई है, कहाँ भर्ती कराया था आपको? शिवालय में ले गए थे। अच्छा, क्या करते हैं आप? और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरह से ये खुले सीवर का मामला सामने आया है, 4 महीने से खुला पड़ा है, जिम्मेदार इस पे ध्यान नहीं दे रहे शिकायतों के बाद, किस तरह से देखते से? देखिए शिखा, बता दूं आपको, ये गाजियाबाद की पूरी घटना जो कल शाम की घटना है, यहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीवर था लगभग पिछले 4-4.5 महीने से लगातार उसकी शिकायत की जा रही थी नगरवासियों के द्वारा, वहां के निवासियों के द्वारा, कि इसकी शिकायत शासन को भी की उन्होंने, वहां के पार्षद को भी की, लगातार उनकी शिकायतें जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये नगर निगम की लापरवाही मानी जाएगी कि वो मासूम बच्ची उस नाले में गिर जाती है खेलते वक्त, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती है। अगर वो बच्ची को आनंद फानंद में वहाँ के लोग नहीं देखते और उसको नहीं अस्पताल पहुँचाते तो ये बड़ी घटना हो सकती थी। खासतौर पे गाजियाबाद में जिस तरह से बच्चों के ऊपर जो घटनाएं हो रही है लगातार, ये काफी चिंताजनक है, और गाजियाबाद में लगातार देखने को मिल रहा है कि शासन की लापरवाही खासतौर पे काफी देखी जा रही है। वही बात करी जाए तो बच्ची की, तो बच्ची थोड़ी बड़ी थी इसलिए उसको थोड़ा सा उस नाले में, जो कि मरने से बची है, क्योंकि खासतौर पे देखा जाए अगर बच्ची छोटी होती तो हो सकता था कि कोई उसको ना देख पाता उस नाले के अंदर गिरते समय। खासतौर पे जो बच्चे खेल रहे थे वहां पर, बच्चे खासतौर पे आपस में खेलते रहते हैं, लेकिन उन छोटे बच्चों को नहीं पता होता है कि ये नाला है, यहाँ पे अगर बॉल निकालते हैं या कुछ करते हैं तो इसमें हम गिर भी सकते हैं। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है यहाँ के शासन की और यहाँ के नगर निगम की गाजियाबाद के, इस पर इनको संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी जो छोटी चीजें उनको दिखती हैं, ये बड़ी घटना में तब्दील हो सकती है। जी, इस घटना के बाद क्या किसी जिम्मेदार का कोई बयान सामने आया है प्रवीण? क्योंकि लगातार शिकायत करी जा रही है, और अब जो बच्ची भी नाले में गिर चुकी है और इतनी गंभीर परिस्थिति से गुजर चुकी है, तो क्या अब कोई बयान या फिर इसके ऊपर कार्यवाही के कोई आदेश? देखिए, अगर बात करें जिम्मेदारों की, तो जिम्मेदार अपना मुंह छुपाए घूम रहे हैं, क्योंकि खासतौर पे हम लोगों ने बात करने की भी कोशिश की तो वो लोग साफ तौर से जवाब नहीं दे रहे हैं। गाजियाबाद में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन ये एक छोटी बच्ची का पूरा मामला था, जिसको खासतौर पे जो वहाँ के क्षेत्रवासी थे उन्होंने, जो वहाँ के जो पार्षद हैं साथ में और वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको भी सूचित कराया था कि यहाँ एक गटर खुला हुआ है, इसमें कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई गाड़ी गिर सकती है, कोई बाइक गिर सकती है रात के समय में, खासतौर पे ये तो दिन का समय था, जो बच्ची वहाँ से बॉल निकालने के लिए जाती है और गटर में गिर जाती है, कहीं ना कहीं वहाँ नजदीकी हॉस्पिटल बच्ची को ले जाया जाता है। बच्ची की हालत अभी ठीक है, और खासतौर पे बच्ची को थोड़ा हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन बच्ची अब इस समय बहुत ठीक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण जुड़े थे।
गाजीपुर में सैदपुर कोतवाली क्षेत्र में हमलावरों ने माफिया त्रिभुवन सिंह गिरोह के सदस्य रहे गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। हमलावरों ने सुरेंद्र के बेटे और अन्य परिजनों को भी पीट पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह का बड़ा बेटा विशाल सिंह अपने पट्टेदार विजय उर्फ मंटू सिंह के साथ मुड़ियार गांव के बाबा कीना राम अघोर पीठ में गए थे, जहां मुड़ियार गांव के ही उपेंद्र सिंह से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विजय वहां फरार हो गया और विशाल कुछ देर बाद घर आया, जिसके बाद उपेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ पहुंचा और लाठी डंडों और धारदार हथियार लेकर सुरेंद्र सिंह के घर धाबा बोल दिया। रायगंज में एक ही परिवार के तीन सदस्यों पति पत्नी और बेटी का गला काटकर उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। पूरा परिवार बड़े भाई की बेटी की मट कोड़वा की रस्म में गया हुआ था और इस बीच रास्ते में रोककर हमलावरों ने पति पत्नी और एक बेटी को फावड़े से हमला करके मार डाला। ऐसा पूरी घटना में इस परिवार का बेटा अच्छे दूसरे रास्ते अकेले निकल गया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। वहीं इस मामले पर एसएसपी विपिन टांडा ने बताया कि इस हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि मृतक की बेटी से आरोपी एक तरफा प्यार करता था और परिवार के लोग इसका विरोध करते थे, इस कारण उसने तीनों की हत्या कर दी। क्षेत्र पड़ता है खोराबार थाने का, जिसमें कि आज पुलिस को सूचना मिली एक पति पत्नी और इनकी बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिस पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं में एसएसपी और एडी महोदय पहुंचे और इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त है मुख्य अभियुक्त उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक ही अभियुक्त इस घटना में बताया जा रहा है, अभी उसे गिरफ्तार किया गया है और आलोक पासवान नाम के इस अभियुक्त को पूछताछ के लिए अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक ये सामने आया है कि इस अभियुक्त का जो मृतक बालिका है, लड़की है 22 वर्षीय करीब, उसके साथ प्रेम प्रसंग का इसने प्रयास किया था, जिसमें कि बाली लड़की के द्वारा मना करने पर अभियुक्त द्वारा ये घटना। गाजीपुर के भवरकोल थाना क्षेत्र के पाताल गंगा इलाके में बेखौफ बाइक सवार तीन बदमाशों ने सब्जी व्यापारी को गोली मारकर 2 लाख की लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। आज शाम 5:15 बजे के लगभग थाना भवरकोल के अंतर्गत ये मस्ती जो चट्टी पड़ती है वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर खेतों की तरफ, ये सदीउल्ला नाम के हैं व्यक्ति जो अपनी वो लगाते हैं, आढ़त लगाते हैं और हम मिर्च और परवल की खरीद करते हैं। तो उस समय तीन बदमाश जो अपाचे मोटरसाइकिल से आए, इनका बैग लेकर के भागे। इस पर इन्होंने विरोध किया तो उन्होंने इन पर फायर कर दिया, जो इनके कमर पर गोली लग गई है और इनकी जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। मौके का मेरे द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है, चेकिंग जारी है और मुझे उम्मीद है कि कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे से यूपी एसटीएफ ने 85 किलो 600 ग्राम चरस के साथ तीन तस्करों को दबोचा है। इंटरनेशनल मार्केट में चरस की कीमत करीब 4,28,00,000 रुपए बताई जा रही है। यूपी एसटीएफ ने जानकारी दी थी कि नेपाल बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी वाला गिरोह दोबारा सक्रिय हो गया है। एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तस्करी करने वाले गिरोह से सदस्य चरस की खेप पिकअप से कानपुर के लिए भेज रहे हैं, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीन आरोपी आशीष, रोशन, शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 24/25 की रात्रि में कानपुर एसटीएफ और बर्रा थाने की पुलिस द्वारा रामगोपाल चौराहे के पास एक संदिग्ध पिकअप बोलेरो को चेक किया गया, जिसमें तीन अभियुक्त जो है पकड़े गए, जिनके पकड़े गए हुए अभियुक्तों को द्वारा जो है लगभग 85 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई। ये जिनके नाम आशीष, रोशन और शैलेंद्र हैं, शैलेंद्र का वाहन था जिसमें अलग से इसने एक बॉक्स बना के रखा था चेचिस से सटा के, उसी में उसकी तस्करी करता था।
ये नेपाल से इसकी तस्करी करता था, नेपाल के रास्ते बिहार और होते हुए जो है कानपुर में इसकी सप्लाई करते थे। तीनों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत। बई के वानखेड़े में खेले गए आईपीएल 2022 के 38वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रनों से हरा दिया। पंजाब की 8 मैचों में ये चौथी जीत है, वहीं चेन्नई की 8 मैचों में ये छठी हार है। पंजाब किंग्स ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 4 विकेट पर 187 रन बनाए थे। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम निर्धारित ओवरों में 176 रन ही बना सकी। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अंबाती रायडू आसानी से चेन्नई को जीत दिला देंगे, लेकिन 18वें ओवर में 6 रन देकर और रायडू को आउट कर कगिसो रबाडा ने पंजाब किंग्स की जीत सुनिश्चित कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने 25 अप्रैल को अपने दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा कर लिया। अपने 1 महीने के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव पूर्व लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए। तो चलिए, 1 महीने पूरे होने पर योगी के गढ़ यानी कि गोरखपुर की जनता सीएम योगी के कामों से कितनी खुश है और क्या कुछ वहां माहौल बदलता हुआ दिखा है, कितना खुशी का माहौल है, दिखाते इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुनः वापसी के बाद से योगी सरकार काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ एक्शन के मूड में है। ऐसे में बता दें कि योगी सरकार पिछले कार्यकाल में विपक्ष ने जब भी उनका रहा काफ़ी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। चुनाव में भी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से ये मुद्दा हावी रहा है, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ 2.0 की सरकार में काफी एक्शन में नजर। ये सरकार जो है 2.0 कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि पहले के लोग लड़कियां बहुत डरती थी घर से बाहर निकलने के लिए, बट आज के टाइम में जब से मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, बहुत कॉन्फिडेंटली सारी बाहर निकलती हैं। रात में भी बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब कि हम सेफ हैं अपने एरिया में, बाहर निकलते हैं जाते हैं। पहले के जैसे कि लोग लड़के गैंग बना के बाहर रोड पे खड़े रहते थे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी घर से बाहर निकलने में, बट आज के टाइम में पुलिस भी सपोर्ट कर रही है, पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है लड़कियों का कि बाहर निकल सकते हैं, कि अब सुरक्षित भी हैं सभी। एक चीज़ बताइए कि शिक्षा का क्या स्तर होने वाला है? शिक्षा का बहुत स्तर अच्छा हो गया है पहले से, तो अब मतलब बहुत बेटर इम्प्रूवमेंट हुई है सारी चीज़ों की। जैसे कि योगी सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च की है कि 10th और 12th वालों को स्कूटी दी जाएगी, गर्ल्स को, जिनका 80% या फिर 80% से अबव होगा। तो ये मतलब कि एजुकेशन के मतलब कि इम्प्रूवमेंट में बहुत अच्छा है कि लड़कियाँ इससे ज़्यादा इम्प्रूव अपने स्कोर इम्प्रूव करेंगी, और ये लड़कियों के लिए ही मतलब कि एक ऐसा स्कीम चलाया गया है कि लड़कियों का एजुकेशन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो इन सबको। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।